हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं व्लॉग बहुत लेट स्टार्ट कर रही हूँ क्योंकि सुबह से बहुत मैं काम में बिजी थी तो टाइम ही नहीं लग पाया, क्योंकि एक दो दिन में ऐसे बिजी थे जो मैंने आपको पिछला व्लॉग दिखाया है देवता जी के साथ। तो रात को लेट सोए, फिर सुबह ज़्यादा काम नहीं कर पाए, तो आज मैं काम कर रही हूँ, बिल्कुल अच्छे से साफ सफाई कर रही हूँ क्योंकि तशु ने बहुत गंद फैला रखी होती है, तो मैं वही सफाई कर रही हूँ इस टाइम। और टाइम बहुत हो गया है और बाहर वैसे बारिश हो रही है मगर गर्मी बहुत है। तो अभी मैं आपको बैक कमरे से दिखाती हूँ व्यू कैसे बन रखा है और बारिश हल्की हल्की हो रही है। तो चलिए पहले सबसे फर्स्ट बाहर ले चलती हूँ आप सबको। तो देख सकते हैं हल्की हल्की बारिश हो रही है, आप सबको शायद कैमरे में नहीं दिख पा रही है पर बारिश हो रही है हल्की हल्की। और देखो कितनी हल्की हल्की बारिश हो रही है, बहुत बारीक बारीक बारिश है। और ये देखिए व्यू कुछ इस तरह का है। तो गाइस अभी मैंने बनाई है हरी सब्जी, बहुत ही ज़्यादा यम्मी सब्जी है, तो आप भी लंच करने के लिए आ जाइए और साथ में दही। तो मेरा एक कुरियर आया है जो मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ, बहुत ही सुंदर कुरियर है। तो चलो, तो फ्रेंड्स अभी मेरा कुरियर आ गया है जिसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा बहुत दिनों से एक्साइटेड हो रही थी आने के लिए, क्योंकि मैंने ये चीज़ इसलिए मंगवाई है क्योंकि ये बहुत वायरल हो रही है आजकल। तो ये है वो चीज़ जो मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी। तो ये है, वैसे मुझे भी इसका पूरा नेम नहीं पता, हेयर स्ट्रेटनर कॉम्ब है ना। तो सबसे फर्स्ट मैं इसको अनबॉक्सिंग कर लेती हूँ क्योंकि मुझे भी ये देखना है जैसे मतलब दिखाया जा रहा है आजकल जो है ना, हर जगह दिखाया जा रहा है कि इसे ऐसा होता है इसे वैसा होता है। तो आज हम देखेंगे, मैं यूज़ करके भी आप सबको दिखाऊंगी कि क्या ये सच है। तो ये मैंने फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किया है, और फ्लिपकार्ट तो देखते हैं। तो ये है स्ट्रिट कॉम्प टेम्परेचर कंट्रोल, तो देखते हैं। इसके साथ मिल जाता है ये भी चाइनीज, वैसे ये प्रोडक्ट चाइनीज है। पैकिंग कुछ इस तरह से है, देख सकते हैं आप, ये ऑन ऑफ का है और ये इंक्रीज डिक्रीज का है प्लस माइनस। तो मैं चाहती हूँ कि मैं आप सबको दिखाऊं यूज करके कि क्या जो भी आजकल चल रहा है क्या वो सही है या फिर। तो ये ऑन हो चुका है, इसको प्लस माइनस करेंगे हम। कोई दिखाते हैं, स्टार्टिंग में इसका ये वाला गरम हो जाता है, अब देखती हूँ मैं खुद देखना चाहती हूँ, गर्म ही नहीं हो रहा है अभी। तो मेरे बाल थोड़े बहुत गीले हैं अभी। ये गर्म क्यों नहीं हो रहा? ये तो गर्म ही नहीं हो रहा है।
फिलहाल ये गर्म नहीं है, थोड़े बाल सूख चुके हैं तो देखती हूँ। तो मुझे तो कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो मैं इस साइड इसको यूज करके देखती हूँ पहले। तो मेरे को तो लग रहे नहीं है स्ट्रेट होते, आपको दिख रहे हैं? तो फ्रेंड्स आप सब मुझे बताओ, आपको क्या मेरे हेयर स्ट्रेट होते हुए दिख रहे हैं? मुझे तो नहीं लग रहा है, जैसा दिखाते हैं ना ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, वैसा नहीं हुआ है। मैंने ये आगे वाले जो मेरी हेयर है बहुत कर ली है, ये नहीं हो रही इससे तो अच्छे से स्ट्रेट। तो मैंने वही हेयर स्ट्रेटिंग कॉम्ब यूज की है, तो मुझे नहीं लगता है कि मेरे बाल स्ट्रेट हुए हैं। देख सकते हैं आप मेरे बाल वैसे के वैसे हैं, और ये तो कहीं से गर्म ही नहीं हो, ये तो गर्म ही नहीं हो रहा है। और यहाँ से भले ही गर्म हुआ है मगर यहाँ से कोई गर्म नहीं हुआ है। और देख सकते हैं आप, मेरे को इसको लगा के 15 मिनट हो गया, मैं तभी मैंने इससे आगे वीडियो नहीं बनाई थी, मैं थोड़ा कट कर दिया था, मुझे देखना था इसका ऑफ ऑन ऑफ का सिस्टम, मगर इसमें कोई हेयर स्ट्रेट नहीं हो रहे हैं, मुझे तो नहीं लग रहा है। आप देख सकते हैं जैसे इसमें दिखाते हैं ना एड्स वगैरह में कि एक बार ऐसे करने से बाल बिल्कुल स्ट्रेट हो जाते हैं, बट इसमें मुझे नहीं लग रहा है कि ये बाल स्ट्रेट हो रहे हैं। तो मैं इसको रिटर्न करने वाली हूँ इस प्रोडक्ट को, देख सकते हैं आप, जबकि मैंने पूरा 4 पे रखा है, 5 पे फुल रखा है मैंने इसको, फिर भी मेरे ये जो हेयर है स्ट्रेट नहीं हो रहे हैं, देख सकते हो आप, ये वैसे के वैसे हैं, ये डुप्लीकेट प्रोडक्ट है मैं ये कह सकती हूँ। ये देखिए जैसे दिखाते हैं बाल बिल्कुल स्ट्रेट हो गए, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैंने जिस हिसाब मतलब जो सोच के मैंने ये लाया था ये स्ट्रेटनिंग कॉम, वैसा बिल्कुल भी नहीं हुआ है। और मुझे फ्लिपकार्ट से ये उम्मीद नहीं थी, आप देख सकते हैं मैं उस टाइम से अपने बाल स्ट्रेट करने में लगी हूँ मगर कोई स्ट्रेट नहीं हुए हैं। इससे अच्छा तो मेरा मिनी स्ट्रेटनर ही ठीक है, कम से कम उसमें स्ट्रेट तो हो जाते हैं यार, इसमें नहीं हुए हैं। फिर भी मैं सोच रही हूँ शायद कहीं अब हो जाए लास्ट में। देखिए बाल जैसे के तैसे वैसे के वैसे है, देखिए मुझे बिल्कुल स्ट्रेट बाल चाहिए थे मगर इससे नहीं हो रहे हैं, तो ये सही नहीं है। हेयर स्ट्रेटनर कॉम ठीक नहीं है, तो इससे मेरे हेयर कोई स्ट्रेट नहीं हुए, आप देख सकते हैं मेरे हेयर वैसे के वैसे है। तो फ्रेंड्स आपने देख लिया होगा कि मेरे बाल वैसे के वैसे हैं। मैं आधे घंटे से इसको चार्ज करने में लगी हूँ, बस जो ये बटन है बस यही गर्म हुए हैं, ये वाली साइड, बाकी ना यहाँ से ना यहाँ कुछ भी नहीं हुआ है इस स्ट्रेटनर को, तो ना मेरे हेयर स्ट्रेट हुए, आप देख सकते हो देखो वैसे के वैसे हैं, कोई स्ट्रेट नहीं हुआ है, तो ये प्रोडक्ट बिल्कुल भी सही नहीं है।
तो मैं तो इसको वही रिटर्न करने वाली हूँ। यही स्ट्रेटनिंग कॉम्ब थी, वैसे इसमें कलर 4 थे तो मैंने ग्रीन मंगवाई, तो ग्रीन ही आई है। यार गाने बंद करो ना, मेरा यहाँ कॉपीराइट क्लेम आ जाता है। नॉन ब्रांडेड चीजें नहीं लेनी चाहिए क्यों? तो अच्छे से पैकिंग कर लिया मैंने स्ट्रेटनिंग कॉम्ब की, बहुत बेकार बहुत बेकार। जितनी आपको ये यहाँ पे दिख रही है ना इतनी सुंदर, जिसकी वजह से मैंने भी मंगवाई थी और बहुत ज्यादा वायरल थी ये कॉम्ब। और एकदम से बस जैसे भी हेयर्स है बस ऐसे करो और स्ट्रेट करो, एकदम से स्ट्रेट हो रहे हैं, मगर ऐसा मेरे साथ तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो मैं इसको रिटर्न कर रही हूँ, इतना वायरल प्रोडक्ट मुझे इससे ये उम्मीद नहीं थी। सही बात है, इस बार कुछ ऐसा हुआ, मैंने ऐसा नहीं सोचा था कि इतने सारे आप सबको मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की हुई चीजें थी मैंने आप सबके साथ शेयर की है। मैं बहुत खुश थी इस प्रोडक्ट को लेने के बाद कि इस तरह से हेयर स्ट्रेट हो जाएंगे, क्योंकि मेरे बहुत कर्ली हेयर है आप सबको पता है, तो मेरे बाल वैसे के वैसे ही रहेंगे, अब जैसे थे वैसे ही रहेंगे, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। तो मैं इसको रिटर्न कर रही हूँ। बाय बाय स्ट्रेटनिंग कॉम्ब।